बयान देकर एक बार फिर से शर्मसार हुई मोदी की मंत्री। लोगों ने दी सलाह, जरा कम बोला की। डॉलर वाले बयान पर जब उड़ने लगा मजा तो गुस्से से तिलमिला गई मोदी की मंत्री। कहा जलते हैं सब। भरे सदन में एक बार फिर जलील हुई निर्मला सीतारमन। गलत तथ्य पेश करना पड़ गया भारी। जब से निर्मला सीतारमन को वित्त मंत्री बनाया गया है तब से ऐसे ऐसे बयान दिए गए हैं कि बड़े से बड़ा दार्शनिक भी मत्था पीट ले। कभी कहती है कि प्याज के दाम बढ़ते हैं तो क्या कि वो खुद प्याज नहीं खाती। अभी हाल ही में जाकर अमेरिका में बयान दे आई थी कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा है बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। करीब एक महीने पुराने इस बयान को लेकर जब संसद के अंदर सवाल पूछ लिया गया तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपना आपा खो दिया। इकॉनमी सिर्फ डॉलर सिर्फ रुपी नहीं, पूरे इकॉनमी तब आईसीयू में थी, पूरे दुनिया भारत को फ्रेजाइल 5 में रखा गया था और उस समय हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल नीचे था। बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत है सर। गजब की अर्थशास्त्री ढूंढकर देश के सामने वित्त मंत्री के तौर पर मोदी जी ने रखा है। मतलब खुद के अनाप शनाप बयान पर जब माखौल उड़ने लगता है तो बहुरिया की तरह लड़ने पर उतारू हो जाती है कि देखो कितनी जलन हो रही है, कितनी दिक्कत हो रही है। लगता ही नहीं है कि सदन में वित्त मंत्री बोल रही है। ऐसा लगता है घर के आंगन में दो बहुओं की लड़ाई हो गई है और खुद के जलने का आरोप लगा रही है। मैं आज भी कह रही हूँ रुपया के विषय कितने लोग को अंदर से ऐसे जलन हो रही है। सही कह रही है मैडम जी, कितनी जलन हो रही है कि खाने पीने की चीजें महंगी कर दी, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, दूध दही पर जीएसटी थोप दी, आटा तक महंगा कर दिया। लेकिन जानते हैं मैडम को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैडम दूध दही का सेवन नहीं करती, आटे से बनी रोटी नहीं खाती होंगी और पेट्रोल डीजल का पता नहीं क्या करती है। खैर मैडम के हिसाब से जो बेड़ा गर्क हुआ है उसको लेकर सबको जश्न मनाना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। दुख की बात है कि हमारे सदस्यगण भी हमारे विदेश में अगर हमारे दुश्मन कोई है उन जैसे अगर हमारी इकोनॉमी अच्छा चलता है और अच्छे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है फिर भी उसके ऊपर जलन से बात करने वाले लोग इधर है वो दुख की बात है। क्योंकि समझी नहीं मैडम आप, दिक्कत तो ये है कि अर्थव्यवस्था का दीवाला निकल चुका है, दिक्कत तो ये है कि व्यापारी बर्बाद हो चुका है। लेकिन आपकी कथा खत्म नहीं होती। ऊपर से डॉलर को लेकर जो अलग से आपका परम प्रतापी ज्ञान है उसे कोई बचा नहीं पाता। जब देश अच्छा आगे बढ़ रहा है सब उसमें गर्व लेना चाहिए, ना कि मजाक उड़ाना। ये मजाक उड़ाने की बात है सर। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और डॉलर, पूरे डॉलर विदेश में स्ट्रांग हो रही है। सिर्फ इकोनॉमी भारत का उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, उसको आनंद लेना चाहिए ना कि ऐसे मजाक की बात। शर्म होना चाहिए सर। जितनी फजीहत डॉलर वाले बयान पर पहले निर्मला सीतारमण की हुई थी उसे चार गुनी इस बार संसद के अंदर हो गई। संसद के अंदर और बाहर दोनों ही जगह निर्मला ताई के इस बयान पर लोग हंस रहे हैं। इस बयान पर आपका क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताएं और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। स्पेशल डेस्क द कंटाप।